वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत ही टेस्टी पालक आलू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर दें। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक की सब्जी बनाने के लिए यहाँ 300 ग्राम मैंने पालक ली है, अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ मैंने 250 ग्राम आलू लिए हैं। आलू हमने छोटे स्मॉल साइज़ के लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसको हमने ने 4 टुकड़ों में काट लिया है, उसको पानी में भिगो के रखा है ताकि ये काले ना पड़े। हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं, गरम हो गया है। इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ मैं प्याज, एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। हमें इसे गुलाबी नहीं करना है, खाली सॉफ्ट ही करना है। सॉफ्ट हो गई है, यहाँ हमने 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक लिया है। जिंजर भी 1/2 टीस्पून है, गार्लिक भी 1/2 टीस्पून है। इसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक टुकड़ों में। इसे भी हम प्याज के साथ ही इसी तरह 2 मिनट तक चला लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। आलू को हम थोड़ा सा इसके साथ ही अच्छे से स्टर करते हुए 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसी तरह कुक करते रहेंगे। 2 मिनट तक स्टर करते हुए अब हम पाउडर मसाले डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा यहाँ मैंने धनिया पाउडर लिया है, हाफ से भी कम रेड चिली पाउडर लिया है, और 2 चुटकी बस मैंने यहाँ हल्दी पाउडर लिया है। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। हम ज़्यादा इसमें मिर्च नहीं मिलाएंगे क्योंकि हम इसमें अभी चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे और ग्रीन चिली भी ऐड करूँगी मैं इसमें। फ्लेम मैंने यहाँ स्लो कर दी है। अब यहाँ मैं मैंने यहाँ हरी मिर्च ली है, इसे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इसे थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसे भी हम साथ ही चला लेते हैं। और साथ ही यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, ये भी मैं ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं थोड़ा सा यहाँ नमक भी ऐड कर दूँगी ताकि टमाटर के साथ साथ आलू भी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हमारे आलू टमाटर। फ्लेम रखते हुए हो गए हैं, हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और 40% हमारे आलू भी अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आप चिली फ्लेक्स ना ही डालें तो आप इसके बदले मिर्च, आप ग्रीन चिली ज़्यादा कर दें, थोड़ी ज़्यादा रखें। अब यहाँ मैं पालक डाल दूँगी। हम पालक को हाई फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। पालक को हम इसी तरह हाई फ्लेम पे इसी तरह चलाते रहेंगे। काफ़ी पानी छोड़ दिया है पालक ने, हम इसको अच्छे से ड्राई होने तक कुक करते रहेंगे। और इसे हम ढककर नहीं पकाएंगे, हम इसे खुले में ही पकाएंगे ताकि इसका कलर बरकरार रहेगा। इसे ढक के पकाने से इसका कलर पीला पड़ जाता है, इसलिए हम इसी तरह इसे कुक करेंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी पालक। 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे इस तरह चलाते हुए इसका पानी सुखा लिया है। अब हम स्लो फ्लेम कर देंगे 2 मिनट के लिए। पानी इसका सूख चुका है, पालक हमारी ड्राई होने लगी है। अब हम 2 मिनट और इसे इसी तरह कुक करते रहेंगे। और सारा पानी सुखा लिया है, आप देख सकते हैं पालक में बिल्कुल पानी नहीं है। हमारी पालक ड्राई हो चुकी है, बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो पालक बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनती है। अगर रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर दें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरे पालक आलू की रेसिपी कैसी लगी।